को एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको अब सुलगने से बंद करना पड़ेगा। तो ये है वो ब्लैक गोल्ड। एक पौधे को ग्रोथ के लिए काफ़ी पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है, और उनमें से कुछ तो हम अपने पेड़ पौधे को देते रहते हैं खाद के रूप में, कुछ पानी के रूप में, और कुछ हवा से पौधे को मिलते रहते हैं जिससे उसकी ग्रोथ जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। उन्हीं पोषक तत्वों में से आज एक पोषक तत्व के बारे में हम बात करेंगे, वो है कार्बन। और कार्बन को कैसे हम पौधे को दे सकते हैं, उसके क्या स्रोत हैं, उसी स्रोत के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे कि कार्बन को एक्टिव कार्बन में कैसे बदला जाता है। तो उसका बदलने का जो तरीका है उसके बारे में आज हम आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं वो कौन सा सोर्स है जिससे हम एक्टिव कार्बन बनाएंगे। ये है राइस हस्क। ये जो धान होता है उसका ऊपर का छिलका होता है, और ये कार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स है पौधों के लिए। कार्बन इनमें मिलता है पौधों को, तो इसी से आज हम एक्टिव कार्बन बनाएंगे जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। गार्डनिंग की भाषा में ये ब्लैक गोल्ड होता है, काला सोना। बहुत ही कीमती ये चीज़ होती है, सोर्स है बहुत अच्छा। आज हम ब्लैक गोल्ड बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे पूरा प्रोसेस कैसे ब्लैक गोल्ड बनेगा, और उस ब्लैक गोल्ड को हम कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं गार्डनिंग में, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और ये मैंने कुछ ले लिया है, लगभग लगभग आधा किलो के आसपास ये राइस का जो छिलका होता है धान का वो है। और ये मैंने लिया है, एक तसला है ये लोहे का, उसमें मैंने लिया है। मैं अभी अपनी टेरेस पर नहीं हूँ, नीचे ही हूँ, तो यहाँ पर मैं नीचे दो ईंट रख लेता हूँ ताकि जो मिट्टी ये अपनी ये ले लिया है हमने जो छिलका है। और अब इसको हम जो प्रोसेस है इसको ब्लैक गोल्ड में बदलने का वो करेंगे। तो इसको क्या करना है कि हमें इसको सिलगाना है। सिलगाना मतलब इसको धुनी लगानी है, और धुनी कैसे लगेगी, इसमें हम आग लगाएंगे और आग से धीरे धीरे ये जलता चला जाएगा और फिर ये ब्लैक गोल्ड में बदल जाएगा। तो इसको सिलगाने के दो तीन तरीके हैं, जैसे आप इसके ऊपर या तो कुछ तेल, मिट्टी का तेल आता है, या फिर पेट्रोल डीजल वो छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या किया है कि जो नॉर्मल उपले होते हैं, ये देखिए जो गोबर के उपले होते हैं वो मैंने लिए हैं, और इसको मैंने सुलगाया। इससे क्या होगा कि ये भी एक नेचुरल सोर्स ही है, इससे कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। और ये जो हमारा ब्लैक गोल्ड है राइस हस्क से ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे अब सुलगेगा, और सुलगेगा तो उसके बाद ये काला होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये काला होगा वैसे वैसे ये एक्टिव कार्बन इसका बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी अभी इसमें धीरे धीरे ये सुलगना शुरू हो गया है, और ऐसे ही धीरे धीरे अब सुलगता रहेगा। इसको हवा देनी पड़ेगी, तो थोड़ी थोड़ी सी हवा हम इसको दे रहे हैं ऐसे ही। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, टाइम टेकिंग है, तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस चाहिए होता है इसको सुलगाने के लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे सुलगता है और फिर इसका एक्टिव कार्बन की फॉर्म में ये बदल जाता है। गर्मी भी काफ़ी हो रही है, देखिए पसीना कितना आ रहा है। बाहर बारिश आ गई, इस वजह से फिर हमें अब अंदर आना पड़ा है। ये देखिए, ये हमारा जो कार्बन है एक्टिव वो धीरे धीरे बन रहा है, और इसमें पूरी अच्छी चल रही है। इसका धुआं दोनों इसमें बढ़िया चल रही है। यहाँ पर तो फैन चल रहा है, और तो बाहर में बैठा हुआ हाथ से ही हवा कर रहा था इसको।
लेकिन बारिश की वजह से फिर मुझे अंदर आना पड़ा, फ़ैन चला लिया है और इसका धुआं बाहर जा रहा है यहाँ से, इधर से देखिए बारिश आ चुकी है, तो इस वजह से मैं अंदर आया हूँ। फिर इसको लेके धीरे धीरे सुलग रहा है और लगभग आधा ये सुलग गया है, आधा अभी बचा हुआ है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। 1.25 घंटा अभी हो चुका है मुझे, 45 मिनट्स पूरे हो गए हैं इस प्रोसेस को करते हुए, और इसमें अभी भी लगभग मुझे लग रहा है कि आधा घंटा और लगने वाला है, तो लगभग आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा इसका। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं इसकी अपडेट देता हूँ आपको कि इसका प्रोसेस कितना हुआ है। और ये देखिए लगभग आधे से ज़्यादा क्या ये पूरा ही हो गया है, इसमें थोड़ा ही बचा है बस, अब जो सुलगना बाकी है। 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम मुझे हो गया है ये करते हुए, और अभी लगभग मुझे लग रहा है कि और 15-20 मिनट इसमें लगेंगी। ये थोड़ा सा पोर्शन ये इधर का बचा हुआ है जो जिसमें होना है, बाकी इधर ये पूरा हो चुका है प्रोसेस। ये देखिए इसमें कुछ ये पूरा लगभग हो चुका है, ये देखिए ये अंदर से पूरा हो गया है, और ये इसी तरह से ही रहता है, आधा सुलगा हुआ आधा वैसे, क्योंकि अगर ये पूरा हो जाएगा तो ये फिर जल सकता है। ये देखिए ये लगभग हो गया है, तो इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, 15-20 मिनट इसको पूरा हो जाने दीजिए, तो मैं फिर एक और अपडेट आपको फिर देता हूँ। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और ये अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, थोड़ी इसमें आग भी कम हो गई थी, तो मैंने फिर दोबारा एक गोबर का जो उपला है उसको सुलगाया है और उसको बीच में रखा है अब दोबारा से, अब जाके थोड़ा स्टार्ट हुआ है जल्दी से होना, तो उम्मीद है कि अब 15-20 मिनट में ये पूरा सुलग जाएगा। ये धीरे धीरे से सुलगने के बाद अब फिर ये एक्टिव कार्बन की जो फॉर्म है उसमें बन जाएगा, और अगर इसको हम मिट्टी में मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी रखता है मिट्टी को और वेल ड्रेन भी बनाता है, तो इसी कारण से ये बहुत अच्छा सोयल मीडिया भी माना जाता है। फंगस तो इसमें लगती ही नहीं क्योंकि ये एक्टिव कार्बन है। इतनी सारी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा मीडियम मिल जाए जो हमारे सकुलेंट्स हैं या फिर जो हैंगिंग प्लांट्स हैं, हैंगिंग बास्केट्स में हम लगाते हैं, वो सारे अच्छे से ग्रो हो जाएं और उसमें फंगस भी ना लगे, और एयरेशन भी थोड़ा अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाती है, तो सारी चीज़ें ये कुल मिला के इसमें होती हैं, इसलिए इतना अच्छा ये होता है और इसलिए इस प्रोसेस को करने में इतना टाइम भी लगता है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, फिर एक और 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको एक और अपडेट इसकी दूंगा। तो फाइनली ये हमारी जो एक्टिव कार्बन है ये सुलग कर बिल्कुल सही हो गया है और इसका प्रोसेस अब पूरा हो चुका है, और ये थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है, हल्का हल्का गर्म है, तो वैसे तो इसको चाहो तो पानी से भी ठंडा कर सकते हैं हम, लेकिन मौसम वैसे ऑलरेडी थोड़ा ठंडा है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। बस इसको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको अब सुलगने से बंद करना पड़ेगा, अगर ये और सुलगेगा तो ये वाइट वाइट हो जाएगा, अगर ये वाइट हो गया तो फिर इसमें क्या है कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो राख होती है उसमें पोटेशियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो अभी ये इसे सुलगने से बंद करना पड़ेगा, तो लगभग ये हो भी गया है अब। तो जब मैं ये वीडियो की शुरुआत करी थी तब मैंने बताया था आपको ब्लैक गोल्ड, तो ये है वो ब्लैक गोल्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये देखिए इसी ब्लैक गोल्ड को हम यूज़ करेंगे, और गोल्ड इसलिए कहते हैं इसके कि इसमें इसके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए गार्डनर जो हैं वो इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया है। ये देखिए
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह लीजिए या फिर आप मॉइस्चर बनाना बना के रखना कह लीजिए या फिर जो इसके गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यही सब चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके जो पौधे हैं उनमें आप यूज़ कर लीजिए, जो हैंगिंग प्लांट्स हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो इंडोर प्लांट्स है उसमें आप यूज़ कर लीजिए इसको। आपको 50-50 का रेशियो ले लीजिए, 50% ये और 50% जो आपकी गार्डन की सोइल है वो ले सकते हैं। दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके आप मिलाइए। इससे क्या होगा कि एक तो वजन कम हो जाएगा आपकी मिट्टी में और आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन हो जाएगी और मॉइस्चर इसमें रहेगा, फंगस नहीं लगेगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ मैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।